हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच देखिए, देश भर में कोरोना के मरीज, उनकी संख्या बढ़ रही है। कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर भी इस दौरान आई है। मुंबई में 5 दिन के बच्चे ने कोरोना को मात दे दी है। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती 5 दिन के बच्चे की दूसरी टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। मां की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। 3 दिन के नवजात और मां को कोरोना संक्रमण हुआ था, लेकिन अब दोनों ने कोरोना को मात दे दी है। हम सीधे रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, अजय दुबे धारवी से हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश का मैं रुक करूंगी। गणेश, ये मुंबई से बढ़िया खबर, 5 दिन का बच्चा और मां, दोनों ने कोरोना को मात दी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी खबर है ये कि इस 5 दिन के बच्चे ने दूसरी उनकी टेस्ट जो आई है वो भी नेगेटिव आई है और उनकी माँ का भी टेस्ट नेगेटिव आया है। सबसे छोटे उम्र के ये पॉजिटिव पेशेंट्स थे और 3 दिन की जब वो थे तब उनको ये पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी। अब दोनों टेस्ट नेगेटिव आए हैं, इसके बाद एक और टेस्ट किया जाएगा ऐसी जानकारी है और बाद में डिस्चार्ज दिया जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी खबर है। वहीं दूसरी चिंता बढ़ाने वाली खबर कल रात धारावी से आई, वर्ली से आई। वर्ली जहां मैं खड़ा हूं फिलहाल, यहां पर कुल 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। वहीं धारावी की बात करें तो वहां एक जनरल फिजिशियन है जो बड़े अस्पताल में प्रैक्टिस भी करते हैं और वहां उनकी प्रैक्टिस धारावी में भी चलती है। वो पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों को लेकर अब चिंता है। मैं वर्ली की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा रोमाना। ये वर्ली सीफे से इसके ठीक आगे कोलीवाड़ा परिसर है। यहाँ पर पूरे परिसर को एक तरह से सील कर दिया गया है, सिर्फ अत्यावश्यक गाड़ियाँ यहाँ पर है। और कोलीवाड़ा, जीजामाता नगर, आदर्श नगर, इन परिसरों में 17 लोग पॉजिटिव आने के बाद किसी को भी उस परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। कोई बाहर नहीं आ सकता, कोई बाहर जा भी अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर जा नहीं सकता। सारी अत्यावश्यक वस्तुएं पुलिस प्रशासन, आरोग्य विभाग हो या बीएमसी, वो जाकर उन्हें पहुंचा रहे हैं। और रोज यहाँ पर सैनिटाइजेशन चल रहा है, दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ इस मुंबई की अगर बात करें तो वर्ली में संख्या ज़्यादा है, 17, और कुल मिलाकर 190 कंटेनमेंट एरिया या रेड जोन तैयार हो गए। यानी आधी मुंबई अब रेड जोन में है, लगभग सील कर दी गई है। वहाँ सैकड़ों लोग क्वारंटीन किए गए हैं। अगर वर्ली की बात करें तो 17 लोग पॉजिटिव पाए गए, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 100 से ज़्यादा लोग इस परिसर में क्वारंटीन किए गए हैं। और इसी तरह का हाल मुंबई के 190 परिसर में है, यानी 50% मुंबई रेड जोन में है और वहाँ पर सील कर दिया गया है, जहाँ आवाजाही जो है लोगों की या गाड़ियों की पूरी बंद कर दी गई है। जो भी वस्तुएँ चाहिए वहाँ प्रशासन उन तक पहुंचा रहा है, पुलिस उन तक पहुंचा रहा है और पूरे परिसर को एक तरह से इन परिसरों को बंद कर दिया गया है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 8 अप्रैल तक अगर इसी तरह की परिस्थिति रही, कंट्रोल रहा, तो मुंबई ये जंग जीत जाएगी जी। अगले 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है मुंबई के लिए। लेकिन धारावी में जो हुआ, पुलिस पर जो हमला किया गया, उसके बाद सेना बुलाए जाने के आसार आ गए थे। शरद पवार ने कल वही बात की थी, अगर धारावी की तरह इस तरह की जो पॉकेट्स है, भिंडी बाजार या दूसरे पॉकेट से गोवंदी, शिवाजी नगर, मानखुर, यहाँ पर अगर लोगों ने सहयोग नहीं किया तो सेना बुलाने की परिस्थिति आ सकती है। और उस दृष्टिकोण से सरकार विचार भी करे, लेकिन फिलहाल स्थिति को काबू में करने के लिए आना चाह रही थी गणेश ठाकुर कि जो शरद पवार की तरफ से सजेशन दिया गया था कि भाई आपने भी बताया 50% मुंबई जो है वो रेड जोन में आ चुकी है और ऐसे जो क्लस्टर्स हैं जो कम जगह के अंदर लाखों की आबादी जहां पर रह रही है वहां हालात कंट्रोल करने के लिए जो सेना बुलाने वाला विकल्प था, मतलब अभी वो खारिज नहीं किया गया है, सरकार उस पर विचार कर रही है, ऐसा किया जा सकता है मुंबई में? जी बिल्कुल, देखिए अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो आखिर में यही रास्ता रहेगा और वो किया भी जाएगा। लेकिन अगर लोग सहयोग करेंगे, जो मेरी अभी कुछ देर पहले ही पुलिस कमिश्नर से बात हो रही थी, उनका कहना है कि लोग अब थोड़े डरने भी लगे हैं, इसी वजह से इन पॉकेट्स में अब लोग सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि धारावी में एक व्यक्ति की मौत हुई, वर्ली में एक व्यक्ति की मौत हुई और कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र में 20 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से मुंबई में ही 17 हैं। तो लोग डरने लग गए हैं क्योंकि लोगों की अब मौतें होने लगी हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। इसीलिए अब कहीं ना कहीं सहयोग भी मिल रहा है, पुलिस कहीं ना कहीं लाठी का भी इस्तेमाल करती हुई नजर आई, जिसकी वजह से अब लोग कहीं ना कहीं डरते हुए नजर आ रहे हैं या जो प्रिकॉशंस लेने को कहा गया है वो ले रहे हैं।
मैं अजय दुबे का रुख कर लेती हूँ। धारावी इलाके में ही मौजूद हैं, अजय से कल भी मेरी बात हो रही थी, धारावी में ही वो मौजूद थे कल भी। तो तस्वीरें जो अजय ने दिखाई थी वो तो काफी निराशाजनक थी, लोग पालन ही नहीं करते हुए नजर आ रहे थे, एहसास ही नहीं हो रहा था उन तस्वीरों को देखकर कि लॉकडाउन है। आज कैसी तस्वीर है अजय? धारावी में वैसे रुमाना तस्वीर कल की जैसी दिखाई दे रही है। देखिए कारण उसका जो लोग हैं वो स्थानीय वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो 10x10 की जो 4x5 की चौल है उसमें जो भीड़ के तौर पर लोग रहते हैं, दो शिफ्ट में काम करते हैं और उसी में रहते हैं, एक आदमी काम पे जाता है दूसरा घर पे रहता है, जब दूसरा काम पे जाता है तो जो अगला है वो घर पे रहता है। अब काम बंद है तो सारे घरों में फंसे हुए हैं, अपने गाँव घर तो वापस लोग जा नहीं पाए हैं, तो ये जो भीड़ है घरों से सुबह लोगों के निकलने का सिलसिला, लोगों की भीड़ सड़कों पर यूं ही दिखाई दे रही है, तो ये चुनौती तो बेशक बनी हुई है। असंगठित अर्थव्यवस्था से वो इलाका है और पूरी तरीके से क्योंकि कामकाज ठप है तो लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, कामकाजी लोग हैं तमाम, तो जो लोग हैं बराबर अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं। कई सारे इलाके उनको सीज भी किया गया, जैसा कि एक जो मामला सबसे पहले निकल के धारावी में आया तो जो 300 घर थे उनको उधर सीज किया गया, 80 दुकानों को सीज किया गया, अलग अलग इलाकों में उससे जुड़े हुए इस तरीके से सीज करने का काम जारी है। बहुत संकरी देखिए गलियां हैं, इन गलियों के बाहर मुंबई पुलिस ने अपने जो बैरिकेटिंग लगा रखे हैं, बीएमसी की तरफ से बैरिकेटिंग लगाई गई है, लोगों को समझाया जा रहा है, जो पुलिस है बात भी कर रही है, पर इन सब बात के बीच में क्योंकि कामगार लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि देखिए खाने बनाने को लेकर दिक्कत है, खाना नहीं बना सकते, बाहर ही खाने को मजबूर हैं, तो घरों के बाहर निकल के सड़कों पर भीड़ जो है लोगों की यूं ही लगी हुई। देखिए अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो एक नजर आपको अपने बगल में भी दिखाते चलते हैं, ये वो लोग हमें देख के तो निकले ही निकले पर ये लोग वो हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे, एक पूरा चक्कर लगवा देते हैं, 180 डिग्री आपको घुमा के दिखा देते हैं। ये इस तरीके की भीड़ जो गलियां हैं आसपास उन गलियों से लेके हर तरफ हो जा रही है। कारण यही है कि जिस तरीके से धारावी हेवीली कंजेस्टेड है और इस कंजेस्टेड के बीच में लोग अपनी जरूरत के सामान के लिए, खाने पीने की छोटी छोटी जरूरत के लिए अपने घरों से निकल तो बराबर रही है। रोमाना बिल्कुल मुझे लगता है डॉक्टर वली को आना चाहिए यहाँ पर। डॉक्टर वली खासतौर से धारावी, 2 किलोमीटर का दायरा, 7 लाख की आबादी, और हम ये कह रहे हैं कि कोरोना को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? सोशल डिस्टेंसिंग सर धारावी को तो सील करना पड़ेगा ना, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ होगी स्लम में? स्लम में हो ही नहीं सकती, कहाँ जाएंगे वो लोग, उनको खाना भी खाना है, उनको वहां रहना भी है। इवन ए डॉक्टर हु वाज अटेंडिंग सम ऑफ दीज केसेस हैज बीन फाउंड पॉजिटिव। तो इसमें सबसे बड़ा जो सावधानी है उनको हाइजीन पे रखना ध्यान, इसमें जो क्लस्टर्स में जो फैलता है वो हैंड हाइजीन के ठीक न होने से फैलता है, तो उनको हमको सैनिटाइजर देने चाहिए, एटलीस्ट सोप बांटना चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट एजेंसी को जाके खूब सोप के जो साबुन की टिकिया है वो बांटनी चाहिए और उनको एजुकेट करना चाहिए छोटे छोटे ग्रुप में। ये सबसे बड़ा वहां की रोकथाम का जरिया बन सकता है। अदरवाइज आई वॉज वेरी एंक्शियस जब मैंने पहली खबर सुनी कि धारावी से केस रिपोर्ट हुआ और एक डेथ की सुनी तो मेरे रोंगटे कांप गए थे, मैंने कहा अब क्या होगा। और ये इतना मशहूर स्लम है, इंटरनेशनली डोन फॉर स्लम डॉग मिलियनेयर पिक्चर की वजह से सब इसके बारे में जानते हैं और इसकी वजह से एंग्जाइटी होना भी बहुत जरूरी है। यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक कितने कम लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है, ये हमको बार बार जनता को बताना चाहिए। वेंटिलेटर सॉल्यूशन नहीं है कोरोना वायरस का, नहीं वेंटिलेटर इलाज है, वेंटिलेटर मरते वक्त की आखिरी जरूरत है और जो लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं उसमें से 90% बचते भी नहीं है, वो इतने सिक होते हैं कि उनकी डेथ किसी और कारण से हो जाती है। तो बार बार वेंटिलेटर की वजह से हमें कोई नुकसान होगा इसका आप बिल्कुल भी अपने श्रोताओं को चिंता नहीं करने दें, अपने दर्शकों को बार बार ये बताएं कि वेंटिलेटर इज नॉट द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। धारावी जैसी जो जगहें हैं इंडिया में और जैसे कि हम कल तक बात कर रहे थे, ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए एजुकेट होना और दीपक की रोशनी का मतलब ये है लोगों को एजुकेट करना। कुछ लोग कह रहे हैं गरीब आदमी कहाँ जलाएगा, आजकल हर गरीब आदमी के पास मोबाइल फोन है वो उसकी बत्ती जलाएगा। वेंटिलेटर इज नॉट द आंसर टू द प्रॉब्लम। मेरी रेगुलर डॉक्टर से बात होती है, आईसीयू में बात होती है, जहां जहां आपने शॉर्ट्स दिखाए हैं कोविड हॉस्पिटल्स के, सबके बेड्स खाली पड़े हैं, आप कहीं भी भीड़ नहीं दिखा पाई हैं, तो इसका मतलब एक अच्छा मैसेज है। अच्छा मैसेज ये है कि अभी हमारे पास सिक पेशेंट्स इतने नहीं हैं, पॉजिटिव पेशेंट्स होना और सिक पेशेंट्स आईसीयू में होना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इनको अलग अलग बताना पड़ेगा। जो डेथ्स हुई हैं इससे बहुत ज्यादा 5 से 10 गुना डेथ्स रेगुलर आईसीयूज में रोज हॉस्पिटल में होती हैं, ये सिक पेशेंट्स की डेथ का क्राइटेरियन अलग होता है,
कोरोना की डेथ के क्राइटेरियन से। और मैं बड़े फख्र के साथ, बड़े शुक्र के साथ ये कहूंगा कि इंडिया में ना इतने टेस्ट हैं पॉजिटिव और ना इतनी डेथ्स हैं। टेस्ट किट अप्रूव हो गई है क्विक वाली, जिससे अब शायद नंबर्स एकदम से ब्लोटेड इन्फ्लेटेड दिखेंगे। उसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। आईसीएमआर ने रैपिड टेस्ट किट अप्रूव कर दी है और उससे हम स्क्रीनिंग करेंगे, डायग्नोसिस नहीं करेंगे, ये स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है। इससे बड़े लोगों को राहत मिलेगी, जो कोरोना नेगेटिव पाए जाएंगे उनके लिए बड़ी राहत होगी और उनसे खतरा कम होगा, ये उनको भी पता होगा और समाज को भी पता होगा। और सर, जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका इलाज जल्दी हो जाएगा, डर दूर करने वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक आंकड़ा ये भी तो आया ना कि भाई 23 मार्च मतलब लॉकडाउन से पहले जो स्पीड थी हमारी कोरोना के केसेस के दुगने होने की, 3 दिन में केस दुगने हो रहे थे, फिर हमने देखा कैसे वो बीच में 5 दिन में केस दुगने होने लगे, लेकिन अब फिर से वहीं आकर हम खड़े हो गए 3 दिन में केस दुगने होने वाली स्थिति पर। इस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच मुझे लगता है गणेश ठाकुर और अजय दुबे को ये बताना चाहिए कि जो डॉक्टर वली कह रहे हैं कि धारवी जैसा इलाका 2 किलोमीटर के दायरे में 7 लाख के करीब की आबादी, स्लम एरिया है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का आप उस तरीके से लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते कि लिहाज रखा जाए, जगह ही कहाँ है उनके पास, वो तो एक कमरे के अंदर किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, खाना तक बनाने की जगह नहीं है, उसके लिए उनको बाहर आना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि आप हैंड हाइजीन के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, साबुन बंटवाया जाए, क्या इस तरीके की कोशिशें सरकार की तरफ से यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है? गणेश पहले आप आ जाइए, उसके बाद अजय के पास आऊंगी। गणेश जी बिल्कुल हो रही है, देखिए सैनिटाइजर तो नहीं लेकिन कुछ एनजीओस सरकार के साथ मिलकर हैंड वॉश के लिए साबुन दे रहे हैं ऐसी जानकारी है, मास्क बांटे जा रहे हैं ऐसी जानकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दवाई का भी छिड़काव लगातार किया जा रहा है प्रॉपर इंटरवल्स के बीच। अब प्रशासन तो कई सारे दावे करते हैं लेकिन जो रियलिटी चेक हमने किया उसके मुताबिक, मैं वर्ली की अगर बात करूँ तो मैं वर्ली के पूरे परिसर में जाके आया, जहाँ जहाँ ये पॉजिटिव केसेस आए थोड़ी से ही पास है, तो वहाँ सड़क पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सील करना एक विकल्प होगा और वो सील किया गया है और उसको वर्ली में तो कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। जस्ट थोड़ी वस्तुएं अगर लेनी है तो लोग बाहर आ रहे हैं तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक समय में एक घर से एक ही व्यक्ति आएगा, लेकिन वही बात आती है कि एक घर में अगर 10 लोग होंगे तो क्या। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोशिश चल रही है, कहीं कम संख्या में हो रही है तो कहीं जो पूर्ति है वो ठीक ठाक हो रही है। तो ऐसे में और कोशिश की जा रही है कि इन तक एक तो अवेयरनेस आए और दूसरा हाइजीन मेंटेन करने के लिए सामग्री पहुंचाई जाए, जो पुलिस और प्रशासन मिलकर पहुंचा रही है, ये दिख रहा है। अजय क्योंकि वही धारावी में ही मौजूद है, वो और बता पाएंगे इस बारे में। अजय देखिए, कल भी इस विषय में बात हमने की थी, कल जो लोगों के संग एक चौपाल की उसमें भी ये चर्चा निकल के आई। और देखिए, एक बात जो लोगों की तरफ से कही गई वो ये थी कि एक कमरे में 10 लोग मौजूद हैं और ऐसे ही तमाम कमरे और कॉमन बाथरूम 100 अलग। तो जो हाइजीन को लेके हम बात कर रहे हैं, कोशिशें कितनी भी की जाए, देखिए सील करने की बात कर रहे हैं तो कई सारे ऐसे हॉटस्पॉट हैं धारावी में जिनको सील कर दिया गया है, पुलिस की बैरिकेटिंग है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, इमारतों को सील कर दिया गया है, SRA की इमारत उसे भी सील कर दिया गया है। अब जबकि हम एक कोशिश आर्मी को लाने के ऊपर बात कर रहे हैं कि संभावना इसकी जताई जा रही है, तो धारावी के लोगों की तरफ से यह सुझाव भी है कि अगर संभव हो तो उनको यहां से लेकर किसी स्टेडियम में किसी दूसरी जगह पर जहां संभव हो सके उनको लेके जाया जाए। देखिए बेहद संकरी गलियां हैं, एक नजर देख लीजिए, बगल में ही हमारे वो गली है, ये धारावी की हकीकत बयां करती हुई गली है, ये तो तब भी थोड़ी चौड़ी है पर इसके अंदर जब आप जाएंगे तो बेहद संकरी गलियां हैं जहां से आप सीधे गुजर भी नहीं सकते हैं। तो जो सील करने की बात है वो तो दिखाई दे ही रही है, पर तमाम और जो दूसरे ऑप्शन है जरूरत है कि उनके विषय में भी सोचा जाए, क्योंकि कॉमन बाथरूम है तो सैनिटाइजेशन की कितनी भी कोशिश कर ली जाए, हैंड वॉश कितना भी कर लिया जाए वो चुनौतीपूर्ण बना रहेगा, जगह रहने की नहीं है तो खाने बनाने की तो बिल्कुल ही नहीं है, तो जो लोग मजबूर हैं बाहर निकलकर आकर खाने के लिए, अब की खाने की भी व्यवस्था नहीं है तो वो मजबूर हैं कि जो बाहर से दान मिल रहा है या जो लोग आके दे दे रहे हैं वो खाने को मजबूर हैं। तो ऐसे में एक दूसरा ऑप्शन है कहीं और ले जाकर लोगों को रखने का, उसमें भी सोचने की जरूरत है। आपने अच्छे तरीके से बताया, तस्वीरें भी दिखाई, मुझे लगता है जो बात डॉक्टर वली भी कह रहे थे कि देखिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई जो सच है उससे भी मुंह नहीं छुपाना है ना हमें। और फिलहाल स्थिति यह है कि लॉकडाउन से पहले जहां हम थे इस समय हम वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं। बीच में जरूर ऐसा हुआ था कि कोरोना के मरीजों के बढ़ने की जो तादाद है वो 5 दिन में डबल हो रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से 3 दिन में वो संख्या डबल होनी शुरू हो गई है। ऐसे में चुनौती बड़ी है, क्या किया जाए,
इस चुनौती से निपटने के लिए कि लॉकडाउन को और सख्ती से पालन करने की जरूरत है और ज्यादा लोगों में अवेयरनेस जागरूकता लाने की जरूरत है। क्या टेस्ट पर इस समय भारत सरकार को और जोर देना चाहिए? हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें काम की और कहानियां कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज़ पर।